हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं वर्लपूल कंपनी के 185 लीटर्स 2-स्टार रेफ्रिजरेटर का। और तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। इस फ्रिज की MRP है 12,900 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि रिटेलर ने कौन सी स्कीम अवेल की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 2-स्टार रेफ्रिजरेटर है एंड 1 ईयर में अप्रॉक्स 235 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। और यहाँ आप इसका मॉडल देख सकते हैं DC204S एंड ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है एंड इसकी ग्रॉस वॉल्यूम आप यहाँ देख सकते हैं 185 लीटर्स। और इस फ्रिज में हमें मिलता है इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी और इस फ्रिज में हमें मिलती है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी एंड 5 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेशर। और फ्रेंड्स, मैंने इसकी डोर ओपन कर दी है और आप देख सकते हैं इसके इनसाइड व्यू को। सबसे पहले मैं आपको टॉप टू बॉटम व्यू दिखाना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, ये है इसका फ्रीजर सेक्शन और कुछ इस तरह से आपको इसे ओपन करना पड़ेगा और ये क्लोज करने के लिए हल्का सा पुश करना होगा कुछ इस तरह से, और इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं आप। और इसका फ्रीजर सेक्शन आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक रेड इंडिकेटर दिया गया है, ये डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलिंग कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पर मिलती है 1 से लेकर 6 तक की सेटिंग। सो 1 रिप्रेजेंट करता है लो को और 6 हाई को। तो जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट आपको इस फ्रिज में कूलिंग की है आप यहां से इसे सेट कर सकते हैं। कुछ नॉब को इस तरह से आपको रोटेट करना पड़ेगा और समर के सीज़न में आपको इसे हाई पे सेट करके रखना पड़ेगा और इस इंफॉर्मेशन को देखकर आप इस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। और यहां पे कूलिंग कंट्रोल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया गया है और ये इसका डिफ्रॉस्ट बटन। सो जब भी फ्रिज में आपको लगे कि आइस की लेवल ज़्यादा हो गई है इस डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर से तो हमें डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ करना है। सो यूजुअली हर तीसरे दिन और वीक में एक दिन आप ज़रूर इस डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ करें। सारी आइस मेल्ट होकर बाहर डिफ्रॉस्ट बकेट में स्टोर हो जाएगी और आपको उसे निकाल कर क्लीन करना होगा। और यहाँ पे LED बल्ब लगा है और ये इस फ्रिज का चिलर ट्रे, कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। जो आइस मेल्ट होकर इस जगह से स्टोर होती है बाहर के डिफ्रॉस्ट बकेट में, आप यहां देख सकते हैं इस जगह से वो बाहर निकल जाती है। कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और मल्टीपल्स 2 सेल्फ मिलती है आपको जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे निकाल कर आप यहां पर भी डाल सकते हैं। और एक वेजिटेबल बॉक्स एंड फ्रूट बॉक्स मिलता है हमें, उसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड ये आपके फ्रिज के बॉटम में लगने के लिए एक लेबलर दिया गया है जिसे आप इजीली सेट कर सकते हैं। और ये आइस ट्रे है, ये फ्रीजर में यूज़ करने के लिए आइस ट्रे दिया गया है। और डोर साइड में आप देख सकते हैं मल्टीपल रैक्स हमें मिलती है और 2 रैक्स आपको टॉप में मिल जाती है जिसे इजी रैक नाम दिया गया है। और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसमें फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और बॉटल्स के लिए 2 रैक्स दी गई है, छोटे बॉटल्स के लिए नीचे वाली रैक है और बड़ी बॉटल्स के लिए आप इस रैक को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है इसका यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। सो मेक श्योर कि आप इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की सारी डिटेल्स को समझने में और इसे कैसे और मेंटेन रखना है वो सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है। तो इनकेस अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करूँ। और ये है इसका वारंटी पेपर, जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज करें कंप्लीट डिटेल्स यहाँ फिल करवा लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। यह है इस फ्रिज का लॉक की और मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि इसे लॉक कैसे करते हैं। और कुछ इस तरह से आपको इसे प्रेस करके एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना है और फ्रिज लॉक हो जाएगा। और ओपन करने के लिए आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसे मूव करें, ये फ्रिज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी है इस फ्रिज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।